पछी आगळ वात करीए तो वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए शुक्रवारे नेशनल पीपल्स पार्टीना वडा कोनराड संगमाने मेघालय विधानसभानी चूंटणीमां तेमना प्रशंसनीय प्रदर्शन माटे अभिनंदन आप्या हता। तेमणे कह्युं के तेओ मेघालयनी प्रगति माटे एनपीपी साथे काम करवानुं चालू राखवा माटे आतुर छे। बीजी तरफ संगमाए राज्यपाल फागू चौहानने मळ्या अने नवी सरकार बनावानो दावो रजू कर्यो। वडाप्रधान मोदी वती संगमा द्वारा करवामां आवेला ट्वीटना जवाबमां आ प्रतिक्रिया आपवामां आवी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगमाना नेतृत्वमां सरकारनी रचना माटे एनपीपीने समर्थननो पत्र सौंप्या बाद तेमणे ट्वीट करीने बीजेपीना नेतृत्वनो आभार मान्यो। तेना जवाबमां पीएम मोदीए ट्वीट करीने कह्युं के हुं कोनराड संगमाने मेघालय विधानसभानी चूंटणीमां तेमणी पार्टीना प्रशंसनीय प्रदर्शन माटे अभिनंदन आपवा मांगु छुं। तमिलनाडुमां बिहारी मजूरोने मार मारवाना मुद्दानो विवाद सतत वधी रह्यो छे। मजूरो पर हुमलानो मुद्दो गृहमां हुबाळो मच्यो। भाजपना नेताओए कह्युं के मुख्यमंत्री नीतीशकुमारने मळीने तमिलनाडुमां मजूरो पर हुमला मुद्दे वात करी छे, जे बाद नीतीशकुमारे तात्कालिक डीजीपीने टीम मोकली तपास करवाना आदेश आप्या। समग्र मुद्दो सोशियल मीडिया पर वायरल वीडियोथी शुरू थयो, जेमां बिहारना प्रवासी मजूरो पर तमिलनाडुमां हुमलो करवामां आवी रह्यो हतो। जे अंगे बिहारना मुख्यमंत्री नीतीशकुमारनी प्रतिक्रिया बाद हवे बीजेपी नेताए प्रतिक्रिया आपी छे। एक एक परिवार के लोग ये बताने के लिए उत्सुक है कि हमारे साथ क्या क्या पीड़ा हुआ। वहां के एक परिवार के लोगों की हत्या की गई, उनकी पत्नी नेहा का भी बयान आ रहा है। आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि सरकार झूठ बोल रही हो, पुलिस महकमा झूठ बोल रहा हो। ये पूरी तरह गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के नौजवानों की हत्या की गई और बिहारियों पर अपमान किसी भी हालत में हम नहीं सह सकते। तो प्रयागराज में धोड़ा दिवसे उमेश पाल और तेना बे गवर्नर सिंह हत्या बाद यूपी सरकार एक्शन मोड में है। सतत चौथा दिवसे बुलडोजर की कामगिरी चालू राखी। शुक्रवार माफिया आतिक अहमद अन्य नजीकना मित्र मुशफुद्दीन आलिशान घर ने बुलडोजर वडे तोड़ी पाड़वामां आव्युं। मुशफुद्दीन पर आतिक गैंग ने फंडिंग करवानो आरोप है। शुक्रवार पीडीए और म्युनिसिपल कोर्पोरेशन की टीम तेमज पुलिस फोर्स साथे चार बुलडोजर साथ असरोली विस्तार में पहुंची थी। अधिकारी पहला शुकुद्दीन घर खाली कराव्यू, बाद में तेना पर बुलडोजर फेरवी तोड़ी पाड़ी। 250 चौरस मीटर में फैलायेला आ आलिशान घर की किंमत 3 करोड़ रूपया होवानुं कहेवाय छे। नक्शा इसका नोटिस आई थी, नक्शा मैंने दाखिल किया, नक्शे पे क्वेरी किया गया, नक्शे पे मुझसे क्वेरी किया गया, क्वेरी का मैंने जवाब दिया सितंबर में। अपना नाम बता दो। जुनैद अहमद। आप कौन है? ये मकान है किसका वैसे? मेरी बेटी का। आपकी बेटी का ये मकान है? हाँ। इनको मासूक जी ने ट्रांसफर किया? हाँ बेटी को, क्योंकि पुश्तैनी जमीन थी, मासूक की भी नहीं है, मासूक की दादा बाबा की जमीन है। मासूक कोई पर्सन खरीदे या वो नहीं है। नक्शा बताया तो रहे कि अगस्त में मैंने दाखिल किया नक्शा, सितंबर में मुझसे क्वेरी की गई, सितंबर में मैंने उसका जवाब दिया क्वेरी का।